कांग्रेस ने कल उत्तर प्रदेश में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दिया। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट रायबरेली ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व रखती है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि गांधी परिवार के करीबी लोग पहले भी अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी इतनी चिंतित क्यों है, मुझे दया आ रही है और स्मृति ईरानी के लिए अफसोस क्योंकि अब वह राहुल गांधी के पीए से हार जाएंगी। यह एक सोचा समझा फैसला है। केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कई वर्षों तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काम किया है अमेठी में। देखिए, अमेठी से और भी लोगों ने चुनाव लड़ा है ना पहले, जो गांधी परिवार से बहुत ही नजदीक रहे, ऐसे बहुत से लोग अमेठी से लड़े हैं। देखो आप, आर के धवन से लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं वहां से चुनाव लड़े हैं। अरुण नेहरू भी लड़े थे कभी, आपको याद होगा, कभी रायबरेली से, कभी अमेठी से। बीजेपी को क्या पड़ी है, कौन किस, आप अपना चुनाव लड़िए ना। मुझे स्मृति ईरानी के ऊपर बहुत दया और तरस आती है क्योंकि वो आप राहुल गांधी के पीए से हारने वाली है। राहुल गांधी से नहीं, ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ निर्णय है। जो केएल शर्मा है, वो कांग्रेस पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है, सालों साल से राहुल जी प्रियंका गांधी के साथ उसने अमेठी में काम किया है। बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता है। अगर एक जमीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है। कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, बाहर से तो नहीं लाया, जो बीजेपी लाती है बाहर से चुनाव लड़ने के लिए। तो केएल शर्मा चुनाव जीतने जा रही है, एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का, इस बार स्मृति ईरानी को पराभूत कर।